देख रहे हैं चैनल। मन को ये लगता है कि हिमाचल में काफी अच्छे के बाद आना हुआ और आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात आराम से करता, लंबी बात करता, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि पिछले कार्यक्रम में हम थोड़ा देर से पहुंचे। फिर नेताओं की बात ये होती है कि फिर बोलने लगते डरते नहीं हम सब लोग। यहाँ मैं क्षमा चाहूंगा, मंच पर बैठे हुए हमारे माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी थे, हमारे विधायक घर बैठे हैं, उन्होंने भी आपके सामने अपनी बात कहनी थी, लेकिन समय के अभाव के कारण क्योंकि मुझे शिमला निकलना है और शिमला निकलने के लिए मुझे तुरंत यहां से रवाना होना है, मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इसलिए मैं आप सबको हिमाचल पहुंचने पर जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज बल विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में ही जो उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, उन सबको अगर मिलाया जाए, जमा किया जाए, तो मैं देख रहा हूं सारा उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हमने नीचे जो पहला कार्यक्रम था वहां पर जागरण में किए और 10 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हमने आपके साथ यहां पहुंच करके किए। कुल मिलाकर के 27 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन में आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं और इन सबका अगर योग करें, अगर जमा कर दिया जाए तो ये राशि 291 करोड़ रुपए की बनती है। इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं शायद अभी गलत ना, ये बल विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में ऐसा होगा कि एक दिन जब 27 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए और 291 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत और उद्घाटन करके समर्पित किया गया, इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि बल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आज से पहले हुआ होगा। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। रिवाड़ ऐसा इलाका है जो धार्मिक दृष्टि से भी महत्व रखता है, बहुत धर्म की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र ये है। परिवार की झील हमारी एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र ये भी है। नैना देवी का मंदिर वो भी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और गुरुद्वारा भी यहां पर है। सारी चीजें एक जथा, उसको रिवाचर बोलते हैं और मैं सचमुच में इस बात को मानता हूं कि आप सब सब लोग सौभाग्यशाली है कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ऐसे पावन स्थल पर आप सबको रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, माननीय मंत्री जी रास्ते में कह रहे थे कि ये ऐसा इलाका है जिस इलाके में पानी के पीने का बहुत बड़ा संकट है अभी तक। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र के पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी ने, माननीय विधायक ने, सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय किया कि इस क्षेत्र के लिए कोई बड़ी योजना होनी चाहिए और बड़ी योजना जो है उस योजना को एनडीपी के अंतर्गत जो है इस स्कीम को स्वीकृत किया गया और 44 करोड़ रुपए से आपके यहां की ये स्कीम जो स्वीकृत हुई है उसकी एएमएस 11 सारा हो चुका है और उसका फाउंडेशन स्टोन जो है आज जो है आपके सामने दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बड़े विधानसभा क्षेत्र हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इससे पहले भी इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां हमारी सरकार की अगर बात है, अगर कहीं अगर बड़े प्रोजेक्ट की अगर बात कहते हैं, केंद्र
से अगर एनडीआरएफ का प्रोजेक्ट हमको समर्पित होता है जिसमें 1,000 जवान होंगे, उसके लिए भी अगर कोई शायद हमने चयनित किया तो बल विधानसभा क्षेत्र बच्चा जो है सहना का दर्ज इलाका हमने जहां आने वाले समय में एनडीआरएफ की टीम जब कोई भी संकट इस प्रदेश के अंदर होगा तो सबसे पहले आपके बल घाटी के तहना के उस गांव से वो टीमें रवाना होंगी जहां कहीं दुर्घटना होगी, किसी का जीवन संकट होगा तो जीवन को बचाने के लिए काम करने के लिए निकले। और इसी प्रकार से आगे बढ़ करके जब मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आई, बहुत जगह से बात थी कि यहां बनाया जाए वहां बनाया जाए, तो मेडिकल कॉलेज जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार उस वक्त थी हिमाचल प्रदेश में, ये तय हिमाचल प्रदेश की सरकार ने करना था कि कहां मेडिकल कॉलेज बनना है, तो वो भी तय किया कि बल विधानसभा क्षेत्र के नेरचौक पर मेडिकल कॉलेज बनना बन करके जो है क्या होना चाहिए। आज हमें इस बात की खुशी है कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक का बन करके तैयार हुआ है और तैयार होकर के वहां पर बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे मंडी जिला के लिए वहां पर उपलब्ध हो रही है, कुल्लू जिला के लिए उपलब्ध हो रही है। उसे आगे से बढ़कर के अगर हम बात कहें, आगे हम बात बढ़कर के बात कहें, अभी हिमाचल प्रदेश में अगर बड़ा एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बात बहुत बेहतर पूरे हिमाचल प्रदेश में वन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो वन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि उसका ओएनएस सर्वे, लीडर सर्वे जो उसकी औपचारिकताएं होती हैं, उस औपचारिकता के दौर में से पार निकल करके वहां इसका बहुत जल्दी आने वाले समय में लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू होगा और लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस के बाद बड़ा एयरपोर्ट अगर हिमाचल प्रदेश का होगा वो भी बल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होगा, उसे भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद आप सबका बहुत बड़ा स्नेह मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला, हम आगे बढ़ते गए। संकट बड़ा था हमारे सामने कोविड का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस बड़े संकट का भी हम सामना करते हुए रुके नहीं। मुझे इस बात को लेकर के आपके बीच में जरूर कहना है, जब कहने पे तो कहते हैं कि 3.5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल हमारी सरकार का हिमाचल प्रदेश में पूरा हुआ, लेकिन सही मायने में काम करने का वक्त लगभग 2 वर्ष मिला, 1.5 वर्ष से ज्यादा का वक्त तो इस कोविड के संकट में निकल। आज अगर हम इस बात को कहें कि हिमाचल प्रदेश में कोविड को परहेज करने के अगर हम बात कहें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बाकी राज्यों की तुलना में हिमाचल ने बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की है। कोई भी कोविड का मरीज अगर हॉस्पिटल पहुंचा उसको बेड प्राप्त हुआ, वहां पर बिस्तर मिला, कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल पहुंचकर तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो उसको ऑक्सीजन मिली है, किसी भी पेशेंट को कोविड के अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है तो उसको वेंटिलेटर मिला है, ये हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर काम करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी इस बात को हमको मानकर भी करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग इस संकट के दौर में से गुजरे, बहुत परेशानी का दौर था और अभी भी मैं कह सकता हूं कि अभी भी संकट समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी वो संकट जो है कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करना जरूर चाहूंगा कि अगर वैक्सीन की डोज किसी को नहीं लगी है तो वो निश्चित रूप से लगा ले। मैं जरा देखूंगा हाथ खड़ा करके जिसने वैक्सीन की डोज लगाएंगे 100% बहुत बहुत बधाई आपको। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में जब हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमने पहली डोज कंप्लीट कर ली, हिमाचल के हर नागरिक को जो एलिजिबल कैटेगरी में आता था वैक्सीन के लिए उसको हमने वैक्सीन की डोज हमने हिमाचल प्रदेश में दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं हिमाचल के लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स, उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमने वर्चुअली उनको जोड़ा, प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश को उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीन के मामले में पूरे देश भर में जो प्रथम स्थान हासिल किया है, इसके लिए आप सबको साधुवाद, उसके लिए आप सबको
मेडिकल स्टाफ लोगों ने काम किया उनका भी धन्यवाद किया। और ये मैं आपको हिमाचल से आसान काम नहीं था, कठिन काम था, बहुत मुश्किल काम था। कहां डोगरा द्वार जहां 12 घंटे पैदल चलते थे पहुंचना पड़ता है, कहां आपका बड़ा बंगाल जहां 6 दिन पहुंचने के लिए लगते हैं, हेलीकॉप्टर से हमने वैक्सीन वहां पर पहुंचाई और वहां पर जितने भी लोग थे सबको वैक्सीनेट करके वहां से वापस हमारी टीम आई। काम बनाने का गांव जहां 6 घंटे पैदल चल करके पहुंचना पड़ा, डॉक्टर दूसरे साहब की वहां के लोग सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, क्योंकि वहां पर देवता का राज है, देवता कहेगा आपको वैक्सीन लगेगी, देवता कहेगा तो नहीं लगेगी। तो ऐसी परिस्थिति में देवता को भी बनाया, डीसी को भेजा, डीसी वहां पर पहुंचे, देवता को धूप दिया, देवता से आज के भी कि इस कोविड के संकट में ये वैक्सीन बहुत जरूरी है, देवता ने परमिशन दी, 1150 लोग जो गांव के थे सबको वैक्सीनेट करके वहां से हमारी टीम वापिस से काम किया। और यहां कोविड के संकट में ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कुछ मित्र बहुत आगे करते हैं, अगर उनसे पूछे तो हिमाचल प्रदेश में आप लंबे समय तक सत्ता में रहे, कितने ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगे थे, 2 जगह लगे थे, एक आईजीएमसी शिमला में और दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में। और आज हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन के प्लांट हमने इन 1 साल के कार्यकाल में लगाए। आपसे पूछ रहे हैं तो पूछो कि तुम्हारे जमाने में हिमाचल प्रदेश में तुम 50 साल जब से मिले हिमाचल अस्तित्व में आया उसके बाद 30 सालों से ज्यादा तुम सत्ता में रहे, कितने आपने यहां पर हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर आपके पास कितने थे, 30-32 थे, 30-32 साल तक शासन करने वाली पार्टी के पास 30-32 वेंटिलेटर थे। पर आज हमसे पूछ रहे हैं, आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 850 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में है, किसी को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको वेंटिलेटर की सुविधा देकर उनके जीवन की रक्षा करने की स्थिति में। इसे बहुत सारी बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, समय की कमी के कारण मैं उन बातों का मैं जिक्र करना नहीं चाहूंगा। आज निवासर आप सबके बीच में आकर के आपके दर्शन करके हम जा रहे हैं, आप सबके बीच में आने वाले समय में हम जब आएंगे तो बात करेंगे। बेटा मैं जरूर कहूंगा कि ये दौर आया है, ये इस दौर को पहचानिए, ये दौर आपका है, ये दौर आपका रहना चाहिए, एक बार नहीं कई बार रहना चाहिए, लंबे समय तक रहना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बाकी बातें होती रहेंगे, काम खत्म नहीं होंगे, जिंदगी खत्म हो जाती है, काम आज भी होते रहेंगे, कल भी होते रहेंगे, परसों भी होते रहेंगे, कई बार ऐसा भी दौर आता है जब काम से ज्यादा सम्मान और सम्मान का विषय आता है, सम्मान के साथ साथ में अपने जो है अपने दायित्व के निर्वहन करने का विषय आता है, स्वाभिमान का विषय, और हम उस दौर में से गुजरेंगे। हमारे मंडी के सांसद रामसूर जी हुआ करते थे, वो छोटी काशी मंडी का कहते थे और हमेशा छोटी काशी कहते थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की इस मंडी की इस छोटी काशी का नाम जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान करा है। आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी महसूस करते हैं। आने वाले समय में मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, सभी को हमने पूरा करना है। एक बात का संदेश मुझे आपसे चाहिए, जरूर चाहिए कि यह मंडी का संदेश जरूर जाना चाहिए, जब भी लोकसभा का यह उपचुनाव होगा, ये मंडी हमारी थी, ये मंडी हमारी है और ये मंडी हमारी ही रहेगी, इस बात को लेकर के मैं आप सबसे निवेदन करना जरूर चाहूंगा। कई तरह की बातें आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी की बात को जानने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, यहां कई तरह की चीजें तो चलने की होंगी, लेकिन मंडी चट्टान की तरह साफ होना चाहिए, चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। और वह विधानसभा क्षेत्र खासतौर से इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, मैं इस बात के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। बहुत सारे आपका पीडब्ल्यू का डिवीजन हमने नेजरों में हमने बोला, मेडिकल कॉलेज की बात हम कह सकते हैं, एयरपोर्ट की बात हम कह रहे हैं, मंडी में हमारे
मैंने कहा कि एनडीआरएफ का जो है जो हमारा सेंटर जो है मंडी में बंद धनसभा क्षेत्र में हम खोल रहे हैं, और उसके बाद आज हमें बहुत सारी घोषणाएं वहां पर और की है। इलेक्ट्रिसिटी का डिविजन हमने नेटवर्क में देने की बात कही है, और उसके अतिरिक्त हमने नेटवर्क के अतिरिक्त हमने ये भी बात कही है कि अगर आदर्श विद्यालय के लिए भी अगर जमीन उपलब्ध होगी तो वो भी हम बंद विधानसभा क्षेत्र में खोलेंगे। ये हमने सारी बातें कही है, और उसके साथ साथ में दादर में पीएससी का दर्जा बढ़ाकर उसको सीएससी करने का भी हमने वहां पर निर्णय किया गया है। राजगढ़ में पीएससी मांगी गई, वो पीएससी हमने घोषित वहां पर कर दी। इसलिए बहुत सारी चीजें हमने वहां पर कर दी है, और रिवालसर में यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है कि कुछ यहाँ पर भी करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपके रिवालसर में मैं दो तीन चीजों का जिक्र करूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि हेलीपैड की बात कही, मैं भी सोच रहा हूँ हेलीपैड अगर यहाँ होता तो मैं आराम से भाषण देता, क्योंकि हेलीपैड यही होता तो हेलीकॉप्टर यहाँ आना था, अब मुझे मंडी से पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए एक तो हेलीपैड के लिए जो स्थान यहाँ पर बताया गया है कि चीनागढ़ के पास बताया अभी ने, वहां पर उसको हम निश्चित रूप से बनाएंगे, मंत्री उसको सुनिश्चित करे वो उसको जमीन का, और उसके बाद फिर उसका इंतजाम करेंगे। दूसरी बात एक और कही गई है, हिमाचल में जो है हम सब फायर स्टेशन अग्निशमन का उपकेंद्र इसको खोलने के लिए हमने पहले भी कह दिया था, आज भी हम कह रहे हैं कि इसको बहुत जल्दी इसको खोल करके आपको समर्पित कर देंगे। इसके अतिरिक्त एक और बात वो कही गई है, आपने कही है कि यहाँ आपके यहाँ पर रिवालसर में पुलिस चौकी है, पता नहीं मैं कई बार इस बात को पब्लिकली बोलता हूँ, इन पुलिस वालों को अपने नजदीक क्यों आने के लिए बोल रहे हैं आप लोग, और जहाँ पुलिस चौकी है तो आप थाना मांग रहे हैं, थाना मांग रहे हैं तो किसी की पिटाई होगी तो मुझे माफ करा रहे हैं। तो इसलिए आपके पुलिस चौकी रिवालसर का दर्जा बढ़ा करके उसको थाना बना दिया जाएगा, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और इसके अतिरिक्त बात कही गई है यहाँ पर कि रिवालसर में बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सीएससी है सीएससी का दर्जा बढ़ा करके उसको सिविल हॉस्पिटल किया जाए, उसको सिविल हॉस्पिटल कर दिया जाएगा। और एक अंत में और एक बात बाकी चीजें हम करते रहेंगे, तो महेंद्र सिंह जी और ये भी बात कहते हुए बात कही कि कलखर से रद्दी सड़क घाट पड़ो के जाना होता है, भगवान आना होता है जाना होता है, इस सड़क के लिए कहा कि इसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई हो रही है, और यहाँ से गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। अभी हमने सड़क को देखा, कुछ जगह ठीक है कुछ जगह खराब है, चौड़ी होनी चाहिए, उसके लिए मैं 2 करोड़ रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि वहां पर अच्छी तरह हो सके। और एक यहाँ पर पशु चिकित्सालय दुर्गापुर को खोलने की बात कही गई है, इसको भी हम खोलेंगे। इतनी बात कहते हुए एक बस जो बताई गई है हरिद्वार के लिए सुंदरनगर से भूटान के लिए, जो बस आए वो आप लेकर के देंगे, उसको निश्चित रूप से हम करेंगे।